कमल हसन फेम साउथ फिल्म विक्रम, जिसका निर्देशन लोकेश कनकराज ने किया है, फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा रही है। इस बात की जानकारी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से सामने आई है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट किया है कि फिल्म का साप्ताहिक काफी अच्छा रहा और फिल्म विदेशों में भी अपना जादू दिखा रही है। तरण आदर्श ने कहा, फिल्म ने रविवार तक अमेरिका में 13.43 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में इसकी अवधि में क्रमशः 3.90 करोड़ रुपए और 3.55 करोड़ रुपए की कमाई की गई थी। तरण आदर्श ने कहा कि जर्मनी में फिल्म ने 34.9 लाख रुपए कमाए, जबकि न्यूजीलैंड ने इसमें 33.91 लाख रुपए कमाए। कनाडा में फिल्म ने 24.36 लाख रुपए और आयरलैंड में 25.83 लाख रुपए कमाए। तमिलनाडु में फिल्म ने अपने पहले सोमवार को सिनेमाघरों में लगभग 45% ऑक्यूपेसी दर्ज करते हुए प्रभावित करना जारी रखा। वहीं दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ट्रैकर श्रीधर पिल्लई ने ट्वीट किया, विक्रम अपने पहले सोमवार को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हावी है। तमिलनाडु में फिल्म रॉक स्थित है और सोमवार को लगभग 85% ऑक्यूपेसी दर्ज की गई है, जो महामारी के बाद का उच्चतम स्तर है। कमल हसन और लोकेश मल्टी स्टारर एक्शन फालतू गांजा एक ब्लॉकबस्टर है। फिल्म की सफलता ने निर्देशक लोकेश कनकराज सहित पूरी यूनिट को खुश कर दिया है। बिग बॉस 14 और खतरों के खिलाड़ी 11 का हिस्सा रह चुकी निकी तंबोली और टेलीविजन के हैंडसम हंक शहीर शेख का नया गाना एक हसीना ने रिलीज हो गया है। निकी और शहीर पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। हाल ही में इस गाने से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां सॉन्ग की पूरी टीम के साथ शहीर और निकी भी मौजूद थे। इस दौरान शहीर का कहना था, song is amazing. I loved the song the very first time I heard the song. And after that is the visual treat. I think itna khoobsurti se shoot kiya gaya hai song ko ki mera baar baar dekhne ka man karta hai. And I'm not saying this just because I'm a part of this song, but mujhe actually acha laga tha song aur visuals actually acha lage. And I think we have done a decent job and hopefully people will like it. Yeah, they are liking it. They are loving it. Today is the very, first very day and response. The response is not bad. इस दौरान निक्की का कहना था, बेसिकली मुझे मेरे फैंस ने ये नाम दे दिया है कि मैं जो भी गाना करती हूँ उसमें मैं लड़कों का दिल तोड़ती हूँ। मैंने जितने भी गाने किए उन सब में मैंने लड़कों का दिल ही तोड़ा। ये जब प्रोजेक्ट मेरे पास आया मैंने सबसे पहले पूछा कि कॉन्सेप्ट क्या है, एज यूजुअल तो वही है। आई वॉज रियली एक्साइटेड अगेन, क्योंकि फिर दोबारा किसी लड़के का दिल तोड़ने का मौका मिलता है, तो मैंने कहा कि जाने नहीं देते। मेरा गेम खेलो कि शहीर इज देयर, सो आई वॉज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। देन मैंने गाना सुना एंड देन ऑब्वियसली डायरेक्टर सर कौन है मैंने पूछा, एंड देन गाने का मीनिंग है। आजकल इतने सारे गाने आते हैं चलते नहीं क्योंकि मीनिंग नहीं होता, ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाती है। बट जब मैं आऊँगी मुझे पता है कि मैं ऐसे गाने नहीं करूँगी जिसका कोई मीनिंग ना हो या फिर यू नो कास्ट अच्छा नहीं हो, बट दिस आई हैड टू डू इट बिकॉज ऑफ रामजी सर एंड शहीर एंड द लिरिक्स, इट्स अमेजिंग। हम लोग दुबई में शूट कर रहे थे, एक दिन में हमने शूट किया, मजा किया, फन किया, इट वाज गुड, हेक्टिक था बट वी हैड लॉट ऑफ फन। फैंस को यह गाना काफी पसंद आ रहा है, लोगों को शहीर और निकी की जोड़ी साथ में काफी पसंद आ रही है। इस सॉन्ग को रामजी गुलाटी ने अपनी आवाज दी है और साथ ही इसका म्यूजिक भी बनाया है। यूनाइटेड वाइट फ्लैग के यूट्यूब चैनल पर इसे रिलीज किया गया है। इसके बोल मूडी अख्तर ने लिखे हैं। गाना काफी इमोशनल और वीडियो 3:49 का है। छियासी साल के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर काफी समय से अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं, जिनमें उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबरें सामने आ रही थी।
इन खबरों ने फैंस की चिंता को बढ़ा दिया था। अब इसी बीच दिग्गज अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए फैंस को अपनी सेहत की जानकारी देते हुए बताया कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस वीडियो में धर्मेंद्र ने कहा, हेलो फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लाइफ विल बी पॉजिटिव। मैं चुप हूँ, बीमार नहीं। एनीवे, कुछ ना कुछ बात चलती रहती है, हवा उड़ती रहती है। वो था ना मेरा गाना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। टेक केयर, लव ईच अदर, बी गुड टू ईच अदर, ओके, लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। धर्मेंद्र का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनके चाहने वालों ने भी चैन की सांस ली है। धर्मेंद्र के आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वह रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आएंगे। टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक तेजस्वी प्रकाश इन दिनों सीरियल नागिन 6 में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने नागिन के किरदार को बखूबी निभाकर लाखों लोगों का दिल जीता है। तेजस्वी का बर्थडे भी बहुत पास है। आपको बता दें कि 10 जून को तेजस्वी अपना बर्थडे मनाएंगी, पर आज तेजस्वी ने नागिन के सेट पर ही अपना बर्थडे पहले ही सेलिब्रेट कर लिया। तेजस्वी ने वहां मौजूद मीडिया के साथ केक कट किया। डांस दीवाने, हाँ चलेगा चलेगा, खाली मुंह से फूंक मार दो। मोरिया, अरे गाना गाओ सब लोग। वो दीपक को खिलाओ। ये दीपक को खिलाओ मैडम। ये ओरिजिनल फैन उधर है। ये दीपक भी तो फैन है। खा गया। रोहित को भी खिला दो। रितेश खा गया। इसे देखकर फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है तेजस्वी ने अपने बर्थडे पर अपने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के साथ वेकेशन पे जाने का प्लान बनाया हो। फिल्म निर्माता महेश भट्ट और गायक रैपर योयो हनी सिंह अपकमिंग वेब सीरीज इलुमिनाती में एक साथ काम करने जा रहे हैं। निर्माताओं ने 6 जून को शाम 6 बजे फैंस के लिए इस प्रोजेक्ट की घोषणा की। इलुमिनाती की घोषणा के समय चुनने के पीछे एक सोच है। यह स्पष्ट रूप से 666 को जानवर और शैतान की शैतानी संख्या के रूप में माना जाता है। शो के साथ निर्माता इस पल को यादगार बनाना चाहते थे। 666 से जुड़े राज को जब मीडिया ने जानना चाहा तो हनी सिंह का कहना था, अब सब कुछ सीक्रेट है। वैसे तो मेरा बर्थ नंबर 6 है, तो बाय चांस ये 6 जून और 2022 666 बन रहा था, तो मैंने सर से डिस्कस किया, मैं कहा हम इस तरीके को कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो बोले डेफिनेटली हम करते हैं। तो बाकी सब कुछ सीक्रेट है, अभी सीरीज तो आने दो यार। इसके बाद उनका कहना था,
देखो होने तो बहुत कुछ क्रेजी वाला है क्योंकि भट्ट साहब साथ में है और मेरे लिए बहुत बड़ी लाइफ की अपॉर्चुनिटी है कि मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ जो भट्ट साहब की निगरानी में होगा और यही इनका प्रोजेक्ट है एक्चुअली में और बहुत एक्साइटेड हूँ। और जहाँ तक प्रोडक्शन का मामला है, प्रोड्यूस मैं काफ़ी वक्त से कुछ ना कुछ करना चाह रहा था क्योंकि मेरे भी जो गाने हैं वो एक छोटी 3 मिनट की स्क्रीन प्ले ही होते हैं और एक स्टोरी ही होते हैं। ये नहीं होता कि 200 डांसर खड़े करके आपने नचवा दिए, ऐसा नहीं होता। तो कुछ ना कुछ स्टोरी होती है उसके आगे पीछे। तो शुरू से प्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा मन था लेकिन फाइनली आई गॉट दिस प्रोजेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर इट। इसके बाद जब महेश भट्ट से बात की गई तो उनका कहना था, मैं इनको म्यूजिक इंडस्ट्री का पिकासो कहता हूँ। अभी मैं इनके साथ बैठा था रूबरू, इन्होंने कुछ मुझे गाने सुनाए और मुझे लगा कि मेरे दिमाग के जो पुराने जो एक एंट्रेंच्ड ख्यालात थे वो चूर चूर हो गए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पीढ़ी के ऐसे टैलेंट के साथ उठ बैठ रहे हैं जो आज के दौर में आज के दिल की धड़कन को सुनकर संगीत बनाते हैं। ये इल्यूमिनाटी जो प्रोजेक्ट है वो आज 666 की अहमियत को समझते हुए ये विनय जी जो हैं इन्होंने इसको जन्म दिया और फिर इन्होंने हनी से बात की, योयो जी से बात की और फिर राज जी इनके एक मित्र हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और सुरीता जी जो हमारी डायरेक्टर हैं पहचान की वो हमारा हाथ बटाएंगी लिखने में। ये एक ऐसे स्पेस से कनेक्टेड है इल्यूमिनाटी जिसकी एक मिस्टीरियस एक पहचान है। वो एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में दुनिया आज भी सोचती है कि क्या वाकई है कि नहीं है। 200 साल से उनकी मौजूदगी का एक एहसास दुनिया को हो रहा है और कहते हैं कि ये दुनिया को पपेट की तरह नचवाती हैं ये जो ये शक्ति है। क्या वो हमारी इंडस्ट्री में प्रवेश कर चुकी हैं ऐसी ताकतें? क्या रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका असर है? क्या वो दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहती हैं? ये 8 एपिसोड का एक वेब सीरीज़ होगा जिसको हम मिल बैठ के डिस्कस करके जन्म देंगे। मगर संगीत जो होगा वो पाथ ब्रेकिंग, अर्थ शैटरिंग, हेवन मूविंग एंड इटर्नल म्यूजिक आएगा फ्रॉम द पिकासो ऑफ द म्यूजिक वर्ल्ड हनी सिंह। इस प्रोजेक्ट का निर्माण विनय भारद्वाज और राजदीप मेयर करने जा रहे हैं। I like it. Never miss an update.